बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी और पालक, जिसकी सब्जी बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है, बनती है बहुत ही ज्यादा क्विकली है। और सब्जियों की तो आप जानते हैं कि क्या ही बात है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होते हैं। इसीलिए हमने आधा किलो से ज्यादा, 3 पाव के करीब आलू लेके इनके हमने बड़े बड़े से कतले काट लिए हैं। गोभी के फूल फूल हमने अलग काट लिए हैं, गोभी हमने आधा किलो के करीब लिया है। पालक भी हमने आधा किलो लेके बारीक बारीक काट लिया है। और गोभी के जो डंठल होते हैं उन्हें हमने बिल्कुल ही अलग काट लिया है। 1.5 टीस्पून हल्दी हमने ली है, 2 टीस्पून नमक हमने लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून लाल पिसी मिर्ची हमने ली है, 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज हमने ली है और 1 कटोरी मोटे कटे हुए टमाटर हमने लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टेबलस्पून लिया और कुछ ग्रीन चिल्ली हमने ली है। एक बार फिर से सभी चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल लेके इसको हमने जला लिया है। हम क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसको जला के इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोग जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। तेल हमारा अच्छे से जल चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्याज डालेंगे। दो मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से हमने ब्राउन कर लिया है। अब हम इसके अंदर और चीजें भी ऐड करेंगे। टमाटर, हल्दी मिर्चे, नमक। अब हम इसे थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसके अंदर ऐड करके 15 मिनट तक के लिए इसको दम लगा देंगे, ताकि टमाटर हमारे जब अच्छे से नरम हो जाएंगे तो हम 15 मिनट तक का वेट नहीं करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे काफी हद तक नरम हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से नरम नमी हुए हैं अभी ये। अब हम इन्हें चमचे की मदद से जितना हो सकेगा उतना मैश करेंगे। अब हम इसके अंदर अपने गोभी के डंठल ऐड करेंगे, कवर कर देंगे। इस तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और एक बार फिर 10 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हम अब गोभी के डंठलों को, टमाटर को। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर आप इसका देख सकते हैं, कितना ज्यादा खूबसूरत आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी इसकी आ रही है, जबकि अभी ये कच्चा है। थोड़ा सा और इसको मैश करने की कोशिश करेंगे, साथ में डंठलों को भी और टमाटरों को भी, कम से कम 5 मिनट तक। काफी हद तक मैश कर लिया है हमने अपनी गोभी को और डंठलों को। अब हम इसके अंदर अपने फूल ऐड करेंगे। अब इसके अंदर आलू भी ऐड कर देंगे फूलों के साथ साथ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। पांच मिनट तक के लिए हम इसको कवर कर देंगे, 5 से 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है हमारी आलू गोभी की भुजिया। अभी तक हमने इसके अंदर पालक ऐड नहीं किया है, पहले इसको चलाएंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे चला के। अब हम इसके अंदर अपना पालक ऐड करेंगे। पालक के साथ हमने हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, जो कि हमने आपको दिखाई थी ग्रीन चिल्ली, उनको भी हमने इसके अंदर अभी ही ऐड कर दिया है। अब इसे हम 5 मिनट तक दम लगाएंगे, जब तक पालक अपना पानी नहीं छोड़ देता। 5 मिनट हो चुके हैं, पालक ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको चलाएंगे, चला के अच्छे से मिक्स करेंगे। खुशबू तो इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, और अल्लाह ताला बरकत दे आपके, हमारे और सबके खानों में, क्योंकि आजकल बरकत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है हम सभी को।
क्योंकि आमदनी बहुत कम होती है और खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। दुआओं में याद रखें कि रमजानों में भी अपनी भी और सबकी भी। नमक हमने इसका चेक कर लिया है, इसका बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब 5 मिनट इसको कवर करके और हम इसे अच्छे से दम लगाएंगे। देख सकते हैं बाकी आप इसके अंदर पानी वानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 5 मिनट तक दम लगाएंगे क्योंकि अभी आलू हमारे बिल्कुल भी नहीं गले हैं। 5 मिनट दम लगा के फिर हमारी ये भुजिया तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोबारा से हो चुकी है बिल्कुल आलू गोभी पालक की भुजिया रेडी। कलर देख सकते हैं आप कितना ज्यादा खूबसूरत है इसका। अब हम फुल चूल्हे पे 10 मिनट तक कम से कम इसे भूनेंगे, जबकि काफी हद तक तेल इसका निकल आया है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इसे तेज चूल्हे पे भूनेंगे कम से कम 10 मिनट तक, या शायद हमें सिर्फ 5 मिनट ही इसे भूनना पड़ेगा क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और कलर तो आप इसका देख ही सकते हैं। और सब्जियां तो होती भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल गर्म मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे भूनते भूनते। पांच मिनट तक इसे हम भूनेंगे। हो चुके हैं 5 मिनट, अब हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि हमारी ये भुजिया कैसी बनी। हो चुकी है भुजिया हमारी बिल्कुल रेडी। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाएं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिए।